गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग। यहाँ पे हमने जो साइज लिया है 30 इंच, छोटी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। 30 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमने लिया। अगर आपको किसी अदर साइज में देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर सारी साइजें मिल जाएंगी। पिछली वीडियो अभी कल मैंने अपलोड किया है 40 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। आपको 34 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच सारी साइज कटोरी ब्लाउज का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेंथ जितना आपका ब्लाउज रेडी है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पे 15 इंच की लेंथ रख रही हूँ। इस प्रकार से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपका ब्लाउज जो है जितना रेडी है तैयार रखना है आपको, उसमें 1 इंच ऐड करके। जो हमने गले का जो चौड़ाई रखेंगे, तो ये छोटी साइज है तो यहाँ पे हमने 2.25 इंच का रखा है। आप और ब्लाउज में देखे होंगे कटिंग में, मैंने 2.5 इंच अक्सर रखती हूँ। तीरा हमने 2.25 इंच का रखा। आर्म होल भी हमने यहाँ पे 2.25 इंच ही लिया है। तीरे का निशान हम एक बार यहाँ देख लेंगे लाइन सीधी करने के लिए, और इस प्रकार से आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने गला जो आगे का रखना है ये 6.5 इंच का रखेंगे। आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि कटोरी ब्लाउज अगर आप बना रहे हैं पैटर्न, तो गला थोड़ा सा डीप ही रखें आगे का। तो यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप किसी अदर शेप को ट्राई ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है, आप राउंड शेप ही बनाएँ। यहाँ पर मैंने आर्म होल में 1 इंच से निशान लगाऊंगी। मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ तो मैं 1 इंच से गुलाई दे दूंगी आर्म होल की। अगर आप दोनों पार्ट की साथ ही कटिंग कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट गुलाई जो है 1 इंच से देनी है आगे वाले पार्ट की, और दूसरी 1.5 इंच से देनी है, मतलब 1/2 इंच का डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा झुका लेंगे आर्म होल को। अब यहाँ पर हम चेस्ट की साइज रखेंगे। चेस्ट की साइज हमारी 30 इंच है, 7.5 इंच फोर्थ भाग रखेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। कमर की साइज जो है उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है। कमर की साइज का फोर्थ भाग 1 इंच प्लस करके यहाँ पे कमर की साइज रखनी है। तो जो भी आपकी कमर की साइज हो उसमें 1 इंच आपको प्लस करके रखना है, और 1.5 इंच का मार्जिन हम रख लेंगे। और इस प्रकार से हम फिटिंग वाली लाइन कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग ही कर रही हूँ, पैटर्न पेपर कटिंग कर रही हूँ। आप लोग अगर बैक पार्ट की कटिंग भी देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने दोनों कवर किया था, आगे का पार्ट भी पीछे का पार्ट भी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पीछे वाला पार्ट हमारा सेम सिंपल ब्लाउज की तरह ही कटता है। तो यहाँ पे हमने 12.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। और आपका ब्लाउज अगर छोटा है, 15 से छोटा कट हुआ है, तो आप 12 पे लगाइए। मैं यहाँ पे 15 इंच कटिंग की हूँ तो 12.5 इंच पे इस निशान को कम्प्लीट कर रहे हैं। ओके, लाइन को हम सीधा बेल्ट के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब हम गले की साइड से 1/2 इंच, ध्यान रखिए गले की साइड से हमने 1/2 इंच यहाँ पे उठाना है। और वीडियो में मैंने यहाँ पे किसी में 1/4 इंच, किसी में 1/4 इंच, किसी में 1 इंच उठाया, तो ये साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है। और इसको हम 2 इंच के करीब से इस प्रकार से राउंड शेप दे देंगे। ओके, यहाँ पर हमने राउंड शेप दे दिया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ कटोरी की साइज लेनी है। वैसे हमने 30 इंच चेस्ट साइज जो कटोरी की होती है वो 5 इंच होती है, लेकिन मैं यहाँ सारी साइज, आपको कोई भी साइज हो, चेस्ट की साइज कोई भी हो, कटोरी का पैटर्न निकालना मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। आपको इस प्रकार से इंची टेप को रखना है जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से लगा के, और इसको जो भी आपका साइज आ रहा है उसको 3 भाग में डिवाइड कर देना है, बराबर बराबर 3 भाग में इसको बांट देना। तो मैंने 2 डॉट लगा लिया। देखिए ये हमारा 2.5 इंच का, 7.5 इंच हमारा था तो ये आ गया। तो आपकी कोई भी साइज है, साइज मैटर नहीं करती, आपको बराबर बराबर 3 भाग में डिवाइड कर देना है। एक भाग हमारा 2.5 इंच का, दूसरा 2.5 इंच का, तीसरा 2.5 इंच का, तो इस प्रकार से हमारा 3 भाग में डिवाइड हो गया है। मैं यहाँ पे क्लियर कह दे रूँ कि आपका अगर 40 इंच साइज है तब भी आप बराबर बराबर 3 पार्ट में इसको बांट दीजिए। 2 पार्ट हमारा कटोरी में कवर हो जाएगा आगे का, जो हमारा 5 इंच आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं जो 5 इंच लगा रही हूँ, कटोरी की साइज भी 5 इंच ही आएगी। 30 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग 5 से 4.5 इंच के बीच में आएगी। आर्म होल का जो 1 पार्ट होगा वो हमारा आर्म होल के लिए रहेगा, और 2 पार्ट कटोरी में कवर होगा। तो इस प्रकार से ये हमारी कटोरी बन गई 2 पार्ट की। यहाँ से इस लाइन को हम आगे ड्रॉ कर लेंगे कटोरी के पैटर्न के लिए। अब हम यहाँ पे कटोरी का शेप देने के लिए आर्म होल से 1 निशान लगाएंगे, गले से हमने 1 इंच ऊपर जाएंगे,
और आर्म होल से 1.5 इंच। अगर ये कोने से आप ले रहे हैं तो 1.5 इंच रखिए, अगर आर्म होल की गोलाई से लेंगे तो 2.5 इंच का रखना है आपको। और इस प्रकार से आप कटोरी का पैटर्न तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हमारा 1.5 इंच है, अगर ऊपर से लेंगे तो आपका 2.5 इंच होगा। तो ये हमारा 30 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कटोरी पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को हमने अलग कर लिया, नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने अलग कर लिया है, और गले की हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटोरी आर्म होल सारा हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं आगे वाले पार्ट की ही कटिंग की हूँ। पीछे वाला पार्ट अगर आपको देखना तो आप कोई भी सिंपल ब्लाउज की कटिंग मेरे चैनल पर उठा के देख लीजिए। ये हमारा पैटर्न आगे का पूरा कंप्लीट हो गया, कटोरी बेल्ट आर्म होल। अब हम इसको मार्जिन कहाँ कहाँ फैब्रिक पे ऐड करेंगे। तो जब हम मार्जिन लेंगे तो आर्म होल में हमको कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, मार्जिन को आर्म होल को सिंपल रख के कटिंग कर लेना। बेल्ट में हमको नीचे की साइड से 1 इंच मार्जिन रखना होता है, कपड़े में हम 1 इंच मार्जिन रख के ऊपर से ऐसे सेम पैटर्न कटिंग कर लेंगे। अब मेन पॉइंट आ गई कटोरी। कटोरी में ही हमको मार्जिन ऐड करना होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। पहले हम नीचे से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएं, वहाँ पे हमने कटोरी को इस प्रकार से सेट किया और कटोरी के पूरे पैटर्न को हम इस प्रकार से ड्रॉ करके उतार लेंगे। ये देखिए हमारा 1.25 इंच है, 30 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग की है, तो हमने 1.25 इंच रखा है। ओके, आपकी साइज अगर बड़ी होगी तो आप 1.5 इंच 1 इंच इस प्रकार से आपको रखना होगा। अब हमने पूरा पैटर्न सेम ऐसे हम उतार लेंगे ड्रॉ करके। गाइज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की, अगर फिर भी कहीं पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गले की साइड हमने 1/2 इंच आगे आ जाएंगे, हुक हाई की पट्टी के साइड 1/2 इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन जो होता है उतना बढ़ा लेंगे। साइड में हमने 1/4 इंच का एक मार्क लगाया और दूसरी साइड भी हम वही मार्क 1/4 इंच का दूसरी साइड भी बढ़ा लेंगे मार्जिन में। नीचे हमने 1/4 इंच रखा ही है इस प्रकार से मार्जिन। अब हमको हुक हाई वाली पट्टी की साइड से इस प्रकार से क्रोच में मिला लेना है और इधर से हमने हाथ से ही कर्व शेप इस प्रकार से इसी शेप में देते हुए ऊपर जो 1/2 इंच का मार्जिन है गले के साइड वहाँ हम इस प्रकार से मिला लेंगे। अब हम कटोरी का पूरा पैटर्न इस प्रकार से नाप लेंगे, इंची टेप को फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पर हम निशान लगा देंगे, यहाँ पर हमने जो प्लेट आती है उसका निशान लगाएंगे। तो कटोरी की प्लेट हम यहाँ पे 2.75 इंच से 2.5 इंच के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने साइडों में मार्जिन बढ़ाया 1.25 इंच वही मार्जिन हम यहाँ पे दोनों साइड लेंगे। ये हमारी प्लेट में कवर हो जाता है। ये चीज़ आप किसी भी साइज़ की कटिंग करें तो जो आपने साइड में मार्जिन बढ़ाया वही चीज़ आपको प्लेट में लेना होता है। अब हमने सेंटर वाली लाइन से इस प्रकार से मिला लेंगे दोनों साइड से, ये हमारा पैटर्न कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। अंदर वाली लाइन हम नहीं कट करेंगे, बाहर वाली लाइन पे हम कटिंग करेंगे जिसमें हमने मार्जिन ऐड किया है। इसी पैटर्न पे हमको कटोरी की कटिंग प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। गाइज आपको वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और उसके रिप्लाई भी देती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की। अगर आपको किसी अदर साइज़ में भी ब्लाउज की कटिंग, कटोरी वाले ब्लाउज या सिंपल ब्लाउज की देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, ढेर सारी वीडियो कटोरी या ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज की अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स जरूर दिया करें। आप लोग कमेंट करते हो तो हमको दिल से खुशी होती है। यहाँ हमने कटोरी को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और राउंड वाली साइड से हमारा 1/4 इंच के 1/4 इंच के करीब इस प्रकार से कटोरी बढ़ती हुई आएगी, तो आप वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उतना वो मार्जिन वहाँ बचता है। ओके, अब हम इसको फोल्ड करके अभी दिखाएंगे कि कटोरी की शेप आपको किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से आएगी। तो यहाँ पे देखिए 1/4 इंच के करीब बच रहा है और यहाँ हम कट लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा स्टिच जब लग जाएगा तो ये हमारी फोल्ड हो जाएगी मार्जिन और कटोरी का शेप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। हमने यहाँ पे कटिंग लगा दे रहे हैं। तो ये हमारी 32 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कटोरी पैटर्न की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। इस प्रकार से ये स्टिच लगेगा तो ये फोल्ड हो जाएगा और उसका शेप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। गाइज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। आप लोग कमेंट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं और आपको मेरे चैनल पर ढेर कई प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी कटोरी ब्लाउज की, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरे चैनल पर आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।